उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग एक अभिनव प्रयोग करने जा रहा है और वो प्रयोग उन 35,000 नलकूपों में जहां पर पावर क्राइसिस रहती थी उनको सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा और उन सारे नलकूपों की मॉनिटरिंग लखनऊ में कंट्रोल रूम के जरिए उन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या कैसे सोलर एनर्जी का यूज़ होगा, हमारे साथ बात करने के लिए ओपी पाठक जी हैं। सर, ये जो आप लोगों ने शुरू किया है सोलर एनर्जी से अपने जो नलकूप हैं, अक्सर गांव में कहा जाए कि ट्रिपिंग हो जाती थी कि मोटर जल जाती थी, अब उसको कैसे आप लोग कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से कैसे मीट आउट करेंगे? मैं ओम प्रकाश पाठक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में प्रमुख अभियंता यांत्रिक के पद पर 1 दिसंबर 2023 से मैं कार्यरत हूँ। हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री स्वतंत्र देव जी का हमेशा से एक सपना रहा है और हम लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा देते रहे हैं कि हमारे विभाग के अधिकारी कोई नए नए प्रयोग करें जिससे हम किसानों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाएं और बेहतर तरीके से उनको हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएं। उसी दिशा में मैंने एक दो प्रयोग किए हैं, जिसमें एक तो ये प्रयोग किया है कि हमारे जो राजकीय नलकूप हैं जो विद्युत की कमी से, विद्युत के ट्रिपिंग की वजह से जो नहीं चल पाते हैं, उनमें हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने उनको संचालन हाइब्रिड सिस्टम के आधार पर किया है कि यदि हमको बिजली नहीं मिलेगी तो हम तब भी जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको चला पाएंगे। तो इस दिशा में मैसर्स किर्लोस्कर कंपनी ने एक हमारे पायलट प्रोजेक्ट को मोहनलालगंज के पास लगाया, जिसका कि आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इससे क्या लाभ होगा आप लोगों को, किस तरीके की प्रॉब्लम्स, और सबसे ज्यादा जो 250 जो मेजर कैनाल्स हैं भविष्य में उसको लेकर के भी आप लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में लगभग 34,000 राजकीय नलकूप हैं, 254 हमारी लघुडाल नहरें हैं और लगभग 50 हमारी वृद्ध नहरें हैं। इस दिशा में इनको अनवरत रूप से चलाने के लिए ये सोलर सिस्टम से हम लोगों को एक बहुत बड़ा एक साधन मिलेगा, जिससे कि हम अनवरत रूप से जहाँ पे हमारे रिमोट क्षेत्र हैं वोल्टेज की समस्या बनी रहती है या पूरी तरीके से बिजली नहीं मिल पाती है, हम वहाँ भी किसानों को एक बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे अनवरत रूप से। धन्यवाद। कहते हमारे साथ ओपी पाठक, उनका कहना है कि हम सोलर एनर्जी की मदद से जो किसानों को सिंचाई के लिए जो पानी मिलने वाला होता था, तमाम बार जब पावर क्राइसिस हुआ तो कई बार मोटर जली और या तमाम बार जो नहरें हैं वहां पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन मदद सोलर एनर्जी से होगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।